डियर फ्रेंड, आज सभी हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 क्या है? साउंड। ठीक है, साउंड हम पढ़ने वाले हैं। और साउंड में हम थोड़ा सा चैप्टर एट ए ग्लैंस देख लेते हैं। और इस ग्लैंस में हम क्या देखने वाले हैं? साउंड। ठीक है, साउंड देखिए, साउंड से रिलेटेड, साउंड होता क्या पहले तो ये तो देख लीजिए। साउंड से रिलेटेड क्या पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर? अगर इस पॉइंट को अगर हम मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या दिया हुआ है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये ट्रेवल्स कैसे करता है? वेव के फॉर्म में करता है। प्रोड्यूस बाय वाइब्रेट, वाइब्रेट से ये प्रोड्यूस होता है। फिर क्या दिया हुआ है? उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। फिर रेंज ऑफ हियरिंग, हियरिंग के रेंज क्या होते हैं आगे मैं बता देता हूँ कि किसके लिए मतलब कितना हर्ट्स फ्रिक्वेंसी के रहे अगर साउंड तो ईजली वो लिसन कर सकता है। फिर यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो क्या दिया? लॉन्जिट्यूडनल वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव कंप्रेशन प्लस रिफ्रैक्शन है। फिर उसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर जिसमें उसकी वर्किंग को भी देखेंगे, ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर देखेंगे प्लस ईयर, सॉरी ईयर नहीं, ईयर है ह्यूमन ईयर, जो ह्यूमन के जो कान है उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके वर्किंग देखेंगे। ओके, फिर आगे कुछ और पॉइंट दिया हुआ है जैसे रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में इको, रिवर्बरेशन, एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस को देखेंगे। और यहाँ वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। फिर एप्लीकेशन में मेगाफोन, स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड ये होता है। और रेंज ऑफ हियरिंग की बात करें तो थ्री टाइप्स के होते हैं। ऑडियोबल जो हम जो हमको सुनाई देता है, अगर 20 हर्ट्ज़ से 20,000 अगर हर्ट्ज़ के बीच में अगर उसका रेंज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है तो हमें आसानी से सुनाई दे देगा। इंफ्रासोनिक क्या होता है? इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज़ होता है। अगर इंफ्रासोनिक की बात करें तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज़ होता है। फिर अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो अल्ट्रासोनिक होता है, जिसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और सोनार क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे इतने पॉइंट हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं साउंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं साउंड, साउंड को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और साउंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड ए साउंड। क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर, आवर ईयर के द्वारा जो मतलब फील होता है, ठीक है, वो होता है साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू साउंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। फोर्थ है साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये पॉइंट ध्यान रखने का। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड मतलब प्रोडक्ट कैसे होता है, बनता कैसे है, साउंड अगर बात करें तो कैसे वो साउंड निकलता कैसे है तो वो देखेंगे। तो क्या पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है? साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, और साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट देखेंगे तो जिसमें पहला पॉइंट था एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक ए ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स लाइक आवर हैंड, विंड, ये सब ये सोर्स है जिसके द्वारा हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला जाए कि साउंड और वॉइस इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट, हमारे गले से टू वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से वॉइस, हमारा जो आवाज़ है ये प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो साउंड ऑफ ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वोकल कॉर्ड होते हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड बताया हुआ है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन आवर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, और साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द स्किन ऑफ ड्रम वाइब्रेट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग
Turning fork. The vibrating of turning fork can be shown by touching a small suspended pith ball, जिसको कॉर्क बॉल भी बोलते हैं, with a prong of the sound tuning fork. The pith ball is pushed away with a great force. थ्रेड से बाइंड किया हुआ टेबल टेनिस बॉल है और इसको वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक से वाइब्रेटिंग किया जा रहा है, जिससे कि वह क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. और प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या पॉइंट हैं, तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं. साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड. कौन कौन से मेथड से ये प्रोड्यूस होता है, तो आगे वन बाई वन हम देखते जाते हैं. ठीक है, वन बाई वन. टोटल सिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो सिक्स का सिक्स हम देख लेते हैं. इसमें क्या दिया, बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, बाई वाइब्रेटिंग एयर जैसे कि फ्लूट, और स्ट्रिंग मतलब सितार, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन जैसे तबला ड्रम, वाइब्रेटिंग प्लेट्स जैसे बाईसाइकिल बेल, बाई फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स एंड बाई स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. ये सब की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये उसके मेथड हैं जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये सभी हमने सिक्स पॉइंट देखे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जैसे सितार है, बाई वाइब्रेटिंग एयर जैसे कि फ्लूट है, बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन जैसे तबला ड्रम है, बाई वाइब्रेटिंग प्लेट्स जैसे बाईसाइकिल बेल है, बाई फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट है, बाई स्क्रैचिंग और स्क्रम्पिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इटीसी. ये सारे पॉइंट हमने देखे. आगे देख लेते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड के बारे में हम देखेंगे. प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड एज अ मीडियम. द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड एज अ मीडियम. द मीडियम मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस. मतलब साउंड कैसे ट्रेवल करता है, तो उसके लिए सब्सटेंस चाहिए, मीडियम चाहिए, जिस मीडियम से थ्रू वो साउंड को क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पास होने देता है, ट्रेवल होने देता है. तो उस मीडियम क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट देन द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर स्टेबल पोजिशन. व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट देन एयर पार्टिकल्स अराउंड इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग. उसके जो आसपास जो एयर है, पार्टिकल्स है, वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो, एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर स्टेबल पोजिशन. ये पॉइंट देखिए, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट देखिए. दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल्स, सो दे आर ऑल्सो डिस्प्लेस फ्रॉम देयर रेस्ट पोजिशन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट. इसके कारण क्या होता था, साउंड ट्रेवल करने लग जाता है. दिस पोजिशन इज कंटिन्यू इन द मीडियम टिल साउंड रिचेस आवर ईयर. ये कंटिन्यूस होता है जिससे कि वो हमारे कानों तक पहुंच जाता है. फिर नेक्स्ट क्या, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम नहीं होता है डिस्टर्बेंस करने वाला जो साउंड को, ये भी ध्यान देखने का. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम एंड कैरीज एनर्जी. सो ट्रेवल्स इन अ वेव फ्रॉम नोन एज ए मैकेनिकल वेव. साउंड जो ट्रेवल करता है वेव में, उसी को बोला जाता है मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव जैसे कि यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग एंड लॉन्जिटुडिनल वेव इन स्प्रिंग, ये चीज़ें पॉइंट यहाँ पे बताया है. फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लॉन्जिटुडिनल वेव्स, जिसको साउंड वेव्स आर लॉन्जिटुडिनल वेव होता है. क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, When a body vibrate, then it compresses the air surrounding it and from a area of high density called compression. When a body vibrate, then it compresses the air surrounding it and from a area of high density called compression. The next point, compression is the part of wave in which particle of the medium are closer to one another forming high pressure. This compression move away from the vibrating body. When vibrating body vibrate back, area of low pressure is formed called refraction. इसी को क्या बोलते हैं, refraction बोलते हैं. Refraction is the area of wave in which particle of the medium are further apart from one another forming a low pressure or low density area. When a body vibrate, when body vibrate back and forth, a series of compression and refraction is formed in air resulting in sound wave.
propagation of sound wave is propagation of density change. Propagation of sound wave is propagation of density change. क्या होता है? कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, मतलब ग्रेटर डेंसिटी कंप्रेशन में, रिफ्रैक्शन में लेस डेंसिटी, कंप्रेशन में ग्रेटर डेंसिटी और रिफ्रैक्शन में लेस डेंसिटी. फिर क्या है? साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन के लिए साउंड क्या जरूरत होता है? मीडियम जरूरत होता है. जैसे पॉइंट को देखिए, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. इट नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन लाइक एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा. इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन एयर टाइट बेल जार कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप. व्हेन बेल जार इज फुल ऑफ एयर वी हियर द साउंड, बट व्हेन एयर इज पंप्ड आउट फ्रॉम द बेल जार बाय वैक्यूम पंप वी रिंग द बेल, नो साउंड इज हियर्ड. भी ध्यान में रखना है. सो मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. विदाउट मीडियम यू कांट हियर एनी साउंड. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया है कि इलेक्ट्रिक जो बेल होता है वो कनेक्टेड होता है स्विच कॉक बेल या इलेक्ट्रिक बेल टू वैक्यूम पंप. अब देखिए, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव. में हम क्या आगे देखने वाले हैं? द वेव, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. व्हेन वी पुश एंड पुल द स्लिंकी कंप्रेशन, नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर और क्लोजर, एंड रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स आर लेस और फर्दर आर फॉर्म्ड. व्हेन अ वेव ट्रेवल अलोंग द स्लिंकी इट रीच टर्न्स मूव बैक एंड फोर्थ बाई ओनली अ स्मॉल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ वेव. सो द वेव इज लॉन्जिट्यूडनल. नेक्स्ट देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. ध्यान में रखने का. फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन वन एंड ऑफ स्लिंकी इज मूव अप एंड डाउन रैपिडली हुज अदर एंड इज फिक्स, इट प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव. प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव. और क्या उसमें पॉइंट दिया है? दिस वेव पोजेस लाइक अलोंग द स्लिंकी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाइल टर्न्स ऑफ स्लिंकी वाइब्रेट अप एंड डाउन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. दस इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स बट दे डू नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ट्रांसवर्स वेव. कैरेक्टरिस्टिक क्या है वेव का, ये पॉइंट देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है वेव के? कैरेक्टरिस्टिक, तो वेव के कैरेक्टरिस्टिक हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, तो आप देखते रहिए वीडियो. इसके पार्ट टू जो वीडियो हैगा उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स को हम देखेंगे, तो अभी तक देखते रहिए. छोटे छोटे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको इजीली शॉर्ट टर्म में आप आसानी से समझ सकें, ठीक है? तो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.